प्रेगनेंसी में गैस बनना काफी नेचुरल सी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में अक्सर महिलाओं को अपच की प्रॉब्लम हो जाती है और ये प्रॉब्लम शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा रहती है। साथ ही गैस की प्रॉब्लम से प्रेग्नेंट महिला की तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस और खाने पीने की आदतों के चलते कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में कई बार उनका पेट फूल जाता है। ये सिचुएशन आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके होने वाले बच्चे के लिए भी काफ़ी खतरनाक होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको गैस क्यों बनती है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार गैस बनने के रीजंस क्या होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर गैस और पेट फूलने की समस्या प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होती ही है, इसलिए पहले ये जानना जरूरी है कि इसका कारण क्या है। प्रेगनेंसी के समय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। इसके कारण आपके डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ शरीर की सभी मांसपेशियां भी ढीली होने लगती हैं और इसी वजह से जो प्रेग्नेंट महिला है उसका डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है और इसकी वजह से उन्हें गैस बनने लगती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में गैस और पेट फूलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में बार बार भूख लगने के कारण कई महिलाओं की खुराक बढ़ जाती है और इसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है, और अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही साथ ऐसी कुछ खाने की चीज़ें जिन्हें खाने से गैस बनती है, कुछ महिलाओं को सीलिएक की बीमारी हो जाती है। जिन्हें ये बीमारी होती है वो ग्लूटोन से भरपूर चीज़ें नहीं पचा पाती और उन्हें उससे गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। वैसे ही दूध से बनी चीज़ें खाने से भी कई महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय में आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करते रहें, ताकि आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पहले से ही पता लगा लिया जा सके। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपको बार बार भूख लगती रहती है और इसके चलते महिलाएं कुछ ना कुछ खाती ही रहती हैं, लेकिन खाने के हिसाब से उनका उतना चलना फिरना नहीं हो पाता। इसी वजह से उन्हें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में हर बार गैस बनने पर दवाइयों का इस्तेमाल भी बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपना खाना ऐसा रखना है जिसमें गैस की प्रॉब्लम ना हो, और अगर है तो फिर इसे नेचुरली ही ठीक कर लिया जाए। गैस की समस्या न सिर्फ होने वाली माँ बल्कि बच्चे को भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको गैस बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उस टाइम बिस्तर ही पे बैठे रहते हो जबकि आपको चलना फिरना चाहिए, घूमना चाहिए। आप बैठे बैठे बोर हो जाते हो। अब बोर हो रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप हमारी कहानियाँ सुन सकते हो। इसमें हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का नज़रिया एकदम बदल देंगी। इसके लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में मिल जाएगा। और प्रेगनेंसी में ऐसे मुश्किल टाइम में आप अपना समय पॉकेट कहानियों के साथ बिता सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर से वीडियो को। अभी तक हमने क्या जाना कि प्रेगनेंसी में गैस बनने के रीजंस क्या होते हैं। अब हम ऐसे कुछ टिप्स जानते हैं जिससे आप गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि सर्दी हो या गर्मी, लेकिन आप अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि इसका काम बॉडी के अंदर मौजूद गंदगी को बाहर निकालना है। इसके अलावा पानी पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। इससे आपको खुजली वगैरह की भी समस्या नहीं होती, इसलिए आप दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए। साथ ही साथ फाइबर से भरपूर चीज़ें डाइट में लें, ताकि प्रेगनेंसी में गैस और कब्ज की समस्या ना सताए। इसके लिए आप फाइबर से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। फ्रूट्स, पॉपकॉर्न, साबुत अनाज में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अच्छी तरीके से फाइबर खाएं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको गैस बनती ही रहती है, तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप मेथी के दाने को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठने के बाद सबसे पहले इसका पानी पिएं, क्योंकि ये आपके पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत के तुरंत जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में बाकी की वीडियोस को भी देख सकती हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।